आनंद जी बोलिए। गरिमा जी, 10 साल से ज्यादा में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, बहुत कुछ काम किया जा सकता था। जैसा कि आप सब हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और खास करके महाराष्ट्र में भी अगर 3-4 बड़े महानगर पालिकाओं को छोड़ दें तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में किसान भाई बहन रहते हैं। ये जो वर्तमान की महायुति सरकार है गरिमा जी, ये महानगर पालिका के मुद्दों में भी फेल हुई है और किसान भाई बहनों के मुद्दों पर भी फेल हुई है। जैसे शहरी इलाकों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन विषय पर भी पूरी तरह धराशायी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसान भाई बहन रहते हैं, जिनकी जीविका विशुद्ध रूप से किसानी पर जिंदा रहते हैं, वो अपने अनाज को, अपने फसल को उगाते हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, गेहूं, चावल, दाल, सोयाबीन, जो भी उगाते हैं, वो चाहते हैं कि हमें किसी की दया नहीं चाहिए। हमारे भारत का किसान बहुत ही स्वाभिमानी है। हम लोग नारा लगाते थे जय जवान जय किसान, तो किसान को जवान के समकक्ष देखा जाता है। किसान क्या चाहता है गरिमा जी, कि जब हम अपनी फसल उगाएं, उसे मंडी में ले जाकर बेचें, तो हमें कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए, जिससे हम अपने घर की जीविका भी चला लें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करा दें, और शादी ब्याह के लिए कुछ पैसे रख लें, और स्वास्थ्य। आनंद दुबे, थोड़ा सा भटक गया, मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं 4 महीने पहले ही सही, चुनावी मौके पर ही सही, याद आया 1500 रुपए देंगे महिलाओं को हर महीना, दिक्कत क्या है भाई? संजय राउत कह रहे हैं खरीद रहा मतदाता को। मेरी बात कनेक्ट कहां से होने वाली थी? मेरी बात कनेक्ट यहीं से होने वाली थी कि महाराष्ट्र की जनता को आपके वेलफेयर स्कीम्स या रेवड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना है, जिसमें ये महायुति की सरकार पूरी तरह धराशायी है, फेल हो गई है। जब चुनाव नवंबर में ड्यू है, आप जुलाई में कोई योजना लाते हैं 2-2 महीने के गैप में, ताकि 3000 रकम थोड़ी देखने में बड़ी लगे, और आप उनको देना चाहते हैं, और वो दे के सोचते हैं कि ये जुगाड़ निकाला है हमने, जैसा बीजेपी के नेता और एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के लोग श्रेय लेने में इसमें भीड़ लगाए हुए हैं। तब वहां पे प्रश्न चिन्ह लगता है, और प्रश्न चिन्ह तब भी लग जाता है आनंद दुबे, ठीक इसी कंपटीशन में शामिल हो जाते हैं आप भी। अच्छा ये बताइए आनंद दुबे, ये कैश फॉर वोट है क्या? कैसे हुए? ये ब्राइबरी है क्या? ये बताइए, ये जो कर रहे हैं 3000 रुपए एक मुश्त, ये ब्राइबरी है, कैश फॉर वोट है, खरीद रहे हैं मतदाता को, है क्या? आप मुझे बात बताइए, जब इनके विधायक मंचों से अगर ये कहने लगे कि आप हमें मतदान कीजिए वरना ये आपके खाते में दिए हुए पैसे हम रोक देंगे, या जब इनके विधायक ये कहने लगे कि ये हमारा एक जुगाड़ है, हम इस जुगाड़ को लाए ताकि हमें वोट मिलेगा, क्योंकि हम लोकसभा में उस ढंग के मतदान नहीं हुए, तब और ठीक यही संजय राउत कह रहे हैं, दर्शकों से पूछता हूं कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बना दोगे तो हम 1500 बढ़ाकर 3000 कर देंगे, ये क्या हुआ फिर? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, संजय राउत साहब क्या कह रहे हैं कि आपको उस लायक बनाएंगे कि आपको 1500 रुपए से एक प्रकार से काम आपका नहीं चलता है, आपको कम से कम 5000, 8000, 10000 रुपए मिलने चाहिए, जिसके लिए हम आपको स्वावलंबी बनाएंगे, आपके जीवन में बदलाव आए उसके लिए हम योजनाएं लाएंगे, रोजगार के नए नए साधन लाएंगे। ये कैश फॉर वोट, ये ब्राइबरी, और ये संजय राउत की भाषा में मतदाता को खरीदने की कोशिश नहीं है आनंद दुबे। और महागाड़ी की सरकार आएगी तब 2000 से 1500 से बढ़ाकर 3000 करेंगे। अभी आपने कहा, नहीं अभी आपने कहा कि हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव है, और 5 तारीख को ही 6000 की जगह 10000 रुपए सबके अकाउंट में खटाखट आएंगे, तो क्या ये मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने का तरीका नहीं है? नहीं कहा, मैं आपसे पूछता हूँ आनंद दुबे, 6000 तो बढ़ाकर 10000 करेंगे? नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 6000 को बढ़ा के 10000 कर रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ? यही चीज आप पहले नहीं कर सकते थे? आप 10 साल से सरकार में हरियाणा में, जब चुनाव के मुंह पर खड़े उसी दिन मतदान होना है, तो ये भी तक तरीका हुआ इन्फ्लुएंस करने का? अरे भाई, खुले आम पैसे नहीं बांट सकते, तो चलो सरकारी खजाना खोल देते, सरकारी पैसे बांटते। अच्छा ठीक है।